हेलो गाइस, कोटिन के इस ट्यूटोरियल में आज हम बात करने वाले हैं एरे के बारे में। तो एरे क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं वो हम इसमें जानने वाले हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले, एन एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट मोस्टली ऑफ द सम डेटा टाइप सच एज इंटीजर आर स्ट्रिंग। एरे आर कॉमनली यूज इन कंप्यूटर प्रोग्राम टू ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट ए रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सेट ऑफ वैल्यूज दिए रहते हैं एरे में। एरे क्या होता है लाइक यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वेलकम टू, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और स्ट्रिंग में आपको यहाँ पे काउंटिंग करके दिया जाता है। लाइक यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल काउंटिंग है। यहाँ पे ए स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर और एन एरे ऑफ कैरेक्टर। ए और यहाँ पे सेकेंड है, एन एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट। एरे जो होता है वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के रूप में होता है। तो इसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रिंग मिलेगा और यहाँ पे आपको एरे डेटा स्ट्रक्चर के टाइप में मिलेगा। तो इसमें हम ओपन, पहले इसको क्लोज करते हैं और इसका जो प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल करके यहाँ से आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको करना है। तो पहले से जो कोडिंग लिखा है इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे हम एरे पढ़ रहे हैं और एरे को कैसे डिक्लेयर करना है इसमें आपको बताएंगे। तो पहले सारी कोडिंग को यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले फन फंक्शन को यहाँ से हम डिक्लेयर करते हैं फन, और यहाँ पे मेन फंक्शन को, फंक्शन यानी कि जो ब्रैकेट में लिखा जाता है उसको हम फंक्शन बोलते हैं, यानी कि मेन फंक्शन है यानी फन मेन फंक्शन। और उसके बाद यहाँ पे हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल हो गया। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ कैरेक्टर के टाइप में, तो इसे हमने कर दिया कैर। कैरेक्टर टाइप यानी हो जाएगा A, B, C, D, A2, A2Z होता है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर एरे हमें यहाँ से ले लेते हैं, कैरेक्टर एरे इक्वल टू एरे, इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है तो यहाँ पे हम इसको करके दिखाएंगे। तो एरे ऑफ और यहाँ पे फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन में हमें कैरेक्टर का एरे लेना है। तो कैरेक्टर का एरे कैसे लेना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग में वैल्यू को लेना होता है। तो पहले यहाँ पे एंगल लगाते हैं और हमें लेना है कैरेक्टर टाइप, तो यहाँ पे लिख दिया कैर। और उसके बाद से यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट और यहाँ पे हमें कैरेक्टर एरे चाहिए। तो कैरेक्टर एरे के लिए आपको सिंपली यहाँ से लगाना है, लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया कोई भी, मैंने अपना नेम लिख दिया। ऊपर आपको कॉमा लगाना है और नीचे भी आपको इसको कॉमा लगाना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया डी ई और फिर से ई। कैरेक्टर एरे में आप जो भी नेम देना चाहते हैं यानी आपको सिंगल में आपको कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से अपना नेम लिख दिया, सिंपली कैरेक्टर एरे यहाँ से पास कर दिया, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट है उसको मुझे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट आप कैसे कराएंगे वो हम यहाँ से दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक हमें वैल्यू इनिशियलाइज करना होगा, तो वैल कैर एरे यानी मतलब कैरेक्टर एरे इक्वल टू एरे ऑफ फंक्शन होता है, और इसको भी हमें लेना है यहाँ से। आपको अगर कैर लेना है तो कैर करना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कैर क्योंकि मुझे कैरेक्टर लेना है। और उसके बाद से यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे और नेक्स्ट में यहाँ से भी हमें वैल्यू कुछ पास कर देते हैं। यहाँ पे हमें कुछ कैरेक्टर यहाँ पे भी हम दे देते हैं, और यहाँ पे वैल आई इक्वल टू वैल यानी कि वैल्यू, और वैर का मतलब होता है वेरिएबल्स। ये मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में ही बताया है सारी चीज़ें। इसके बाद मुझे यहाँ से वैल आई इक्वल टू 1 लिख दिया। सिंपली इसको हम यहाँ से रन करके देखते हैं, तो यहाँ से भी हमें कोई भी आउटपुट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। आउटपुट हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने आउटपुट के लिए कोई यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, यानी कि प्रिंट एलन हमें लिखना होता है आउटपुट को यहाँ पे फाइंड करने के लिए। तो आउटपुट यहाँ पे हमें चाहिए, तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं वैल, और यहाँ पे एक और हम पहले अदर एरे ले लेते हैं। अदर एरे में इक्वल टू एरे एन एरे ऑफ से इसको डिक्लेयर करते हैं,
और अगर आपको कैर लेना है तो कैर आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा। जस्ट मैंने लिख दिया कैर और ब्रैकेट में जो हमें वहाँ पे लिखना है उसको हम कर लेते हैं। जस्ट इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और जो उसका नेम होगा वो हम चेंज कर देंगे। अभी यहाँ पे हम कुछ और कैरेक्टर ले लेते हैं, लाइक मैंने लिख दिया एल एम एन ओ एंड पी। ठीक है, उसके बाद एक और हम यहाँ से कैर लिख देते हैं, कैर एरे यानी कैरेक्टर एरे इक्वल टू अदर ऑफ अदर एरे, हमें एक और एरे लेना है। कैरेक्टर एरे इक्वल टू अदर एरे, ठीक है, कैरेक्टर एरे सबसे ऊपर वाला है, अदर एरे नीचे वाला है, तो दोनों को इक्वल टू किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड इसमें कुछ शो हो जाएगा, वेल कैन नॉट बी रीअसाइन, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैर एरे यानी कैर एरे हो गया। और यहाँ पे अदर एरे, तो आप देख सकते हैं दोनों कैर एरे एंड अदर एरे दोनों एक ही में अगर आप इक्वल टू करेंगे तो दोनों इक्वल टू आप नहीं है, यानी दोनों इक्वल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे दोनों यहाँ पे एरर शो होके आ रहा है। तो इसको आप कैसे देखेंगे और इसको कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए आपको यहाँ से हम बताते हैं यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट मोस्टली ऑफ द सेम डेटा टाइप, यानी मोस्टली सेम ही टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। और इसके बाद से जस्ट लाइक इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये सब होते हैं। तो फंक्शन का जो नेम होता है वो गेट फंक्शन से यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है, रिटर्न द वैल्यू स्टोर्ड एट ए पार्टिकुलर इंडेक्स इन द एरे, यानी कि गेट फंक्शन हमें यूज करना होगा इसके जो आंसर है उसको रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्टोर्ड एट द पार्टिकुलर इंडेक्स, पार्टिकुलर इंडेक्स में जो एरे है उसको रिटर्न कराने के लिए यहाँ पे गेट फंक्शन का यूज किया जाता है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसको हम यहाँ से अभी कट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको कट किया और इसका जो प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल करके हम साथ साथ देखेंगे। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं कैर एरे इक्वल टू अदर एरे, यहाँ पे आपको इनिशियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली पूरा जो यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टर एरे इक्वल टू अदर एरे यानी दोनों इक्वल है, इसको आप यहाँ से कर लेंगे। और उसके बाद से वैल और एक और न्यू एरे यहाँ से हम कर लेते हैं, वैल न्यू एर और यहाँ पे कॉलोन देन एरे, और यहाँ पे हमें कोई भी लाइक ऊपर मैंने कैरेक्टर लिया था, यहाँ पे मैंने एनी लिखा, एनी में मतलब कि आप कैरेक्टर ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, एवरीथिंग, एनी में आप कुछ भी ले सकते हैं एरे में। तो यहाँ से हम ले लेते हैं लाइक है हेलो, हेलो क्या है हमारा स्ट्रिंग है, तो जस्ट यहाँ से मैंने लिख दिया हेलो और उसके बाद से बाकी जो नंबर हो गया और उसके बाद कैरेक्टर हो गया वो सब यहाँ से हम लिख लेते हैं, कोई भी एरे आप सिंपली ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं पहले, यहाँ से मैंने डबल में भी दे दिया यानी कि सब मल्टी यहाँ भी सब जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कैरेक्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट एरे मैंने यहाँ से ले लिया। उसके बाद से अगर आप किसी से इक्वल टू कराएंगे तो वहाँ पे भी क्या आएगा वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एरे और एनी है यानी कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं फिर एरे में, और ऊपर का जो है वो कैरेक्टर है, नीचे का जो कैर एरे और सबसे लास्ट वाला वो यहाँ पे आप डिफरेंट कर दे सकते हैं, यानी कि सब कुछ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। और इस तरह से जो है अदर एरे आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। आपको पता चल गया होगा एरे क्या होते हैं, मेनली यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे लाइक एरे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक कैरेक्टर हो गया और यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया, ये सब जो होते हैं वो एरे होते हैं। और यहाँ पे कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर होते हैं लाइक यहाँ पे एरे, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट में कैर, तो सारे कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आप इसको एक ही लाइन में अगर इस साइड से लेकर के अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसको लगाते हैं तो लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, लाइक मैंने इसको यहाँ से हटाया, और हटाने के बाद यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में करना चाहते हैं तो इसको लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं। जस्ट इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
ये सब रिप्रेजेंटेशन करने के मेथड्स होते हैं। बस आपको बेसिक डिटेल आपको आनी चाहिए। जब आप यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो ये सारी चीज़ें जब उसमें यूज रहेंगी तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि मेनली ये क्या है और इसको हम कैसे यूज किए हैं। बस आपको इतना चीज़ें आपको आनी चाहिए, बाकी तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इनिशियलाइजेशन के मेथड यहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको इनिशियलाइज किया जाता है, और अगर किसी प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें यूज किया जा रहा है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि उसी सारी चीज़ें क्या है। तो बस इसीलिए हम यहाँ से इसको पढ़ते हैं बेसिक चीज़ें, इसीलिए हम सारी चीज़ें यहाँ से हम पढ़ते हैं जिससे कि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, और कुछ भी यूज हो रहा है तो हमें समझ में आनी चाहिए कि वो क्या है और उसको कैसे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कैर, यहाँ पर लिखा हुआ है एरे कैर। तो कैर में क्या होता है, एक सिर्फ कैरेक्टर टाइप ही होनी चाहिए, इस वजह से नीचे सारी एरर आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर चेंज करना होगा, यहाँ से हमें लिखना है एनी। एनी लिखेंगे तभी यहाँ पे जो रेड है नीचे का वो यहाँ से रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे मल्टीपल यहाँ पे सब मिक्सअप है, सारे मिक्सअप आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एनी लिखेंगे तो यहाँ इसका जो एरर होगा एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो पहले इस वीडियो का जो यहाँ पे है मेनली इसलिए यहाँ से बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कैरेक्टर क्या होते हैं, यहाँ पे एनी क्या होते हैं, यानी कि कोई भी एरे आप यहाँ से इनिशियलाइज कर लेंगे कैरेक्टर से एरे, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इस तरह इसका बेसिक वीडियो है, यानी कि जो आपको बेसिक चीज़ें हैं एरे के बारे में, एरे आपको चीज़ें आनी चाहिए कि इसमें क्या क्या यूज किया जाता है और इसको कैसे हम यहाँ से इनिशियलाइज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एरे के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू।